नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल शिवानशु यूट्यूब शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेटीएम पर ऐड कर दिए गए कुछ एक न्यू ऑफर्स के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही यहां पर जैसे ही आप लोग आपका पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करोगे तो फर्स्ट में ही यहां पे आप लोगों को एक पेटीएम कैशबैक कार्निवल करके एक ऑफर अभी लॉन्च किया गया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। सो मेक श्योर वीडियो के साथ में आप लोग एंड तक बने रहें। तो आप लोग देख सकते हो मैंने अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। आप लोगों को भी प्ले स्टोर से डेट कर लेने के बाद में पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन नीचे यहाँ पे आप लोगों को जो है कैशबैक एंड ऑफर्स पे क्लिक करना है। अभी कैशबैक एंड ऑफर्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अभी आप लोगों को कुछ अलग सा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को आपके सिर्फ एक्टिव ऑफर्स यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। जो सारे नए ऑफर्स आप लोगों को मिले होंगे वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। वो आप लोगों को कहाँ दिखाई देने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर जब आप लोग एक्सक्लूसिवली ऑफर्स वाला बैनर आप लोग यहाँ पे देख पाओगे तो उसमें यहाँ पे वाव वॉलेट ऑफर्स दिखाई दे जाएंगे, उन पे आप लोगों को टैप करना है। जैसे आप लोग टैप करोगे रिसेंट ऑफर्स जो सारे आप लोगों को मिले होंगे वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरा अकाउंट है ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है, इस पर जो सारे मेरे को ऑफर मिले थे वो मैंने अवेल कर लिए हैं और जो सारे ऑफर्स मेरे को नहीं मिले हैं यानी कि जो यहाँ पे आप लोग अभी ऑफर्स देख रहे हो वो यहाँ पे कुछ मर्चेंट या ऑटोमेटिक जो एड मनी होती है पेटीएम की वो, या फिर जो है क्रेडिट कार्ड को लेकर एड मनी से रिलेटेड है, जो कि मेरे लिए एकदम यहाँ पे जो है यूजलेस होने वाले हैं। लेकिन जो सारे ऑफर्स मैंने अवेल कर लिए हैं प्लस जिनसे मेरे को बेनिफिट हुआ है, आई होप वो सारे ऑफर्स आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर मैंने जो सारे ऑफर्स एक्टिव कर लिए हैं वो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से जो पहला ऑफर है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि पेटीएम फ्यूल वॉलेट से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, मैंने प्रीवियस मेरे दो वीडियोस पेटीएम फ्यूल वॉलेट से रिलेटेड बनाए थे जिन पर के आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मेरे को मिला। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को अगेन जो है पेटीएम फ्यूल वॉलेट से रिलेटेड फ्लैट कैशबैक दिए जाने के लिए पेटीएम बोल रहा है, जो कि यहाँ पर होने वाला है 30 रुपीज का। इसमें सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, 299 रुपए या उससे ज्यादा की एड मनी करनी है, जिस पर के आप लोगों को जो है फ्लैट 30 रुपीज का कैशबैक मिलने वाला है, जो कि होने वाला है पेटीएम फ्यूल वॉलेट बैलेंस। अभी दोस्तों, ये जो एड मनी आप लोग करोगे इसका पेमेंट आप लोगों को जो है सिर्फ यूपीआई के वाया करना है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब आप लोग पेमेंट करोगे 299 रुपए या उससे ज़्यादा का, तो उसका पेमेंट आप लोग यूपीआई के वाया करो। यूपीआई के वाया आप लोग पेमेंट कैसे कर सकते हो वो चीज़ भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग ये चीज़ ध्यान में ज़रूर से रखिएगा कि जब आप लोगों की ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो हो सकता है आप लोगों को इंस्टेंट कैशबैक ना मिले। आप लोगों को जो है यहाँ पर पेटीएम क्लियरली बोल रहा है जो स्क्रैच कार्ड आप लोगों को मिलने वाला है वो विद इन 15 डेज भी मिल जाएगा, या हो सकता है उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 15 डेज के लिए होने वाली है। सो आप लोगों को करना क्या होगा, जैसे ही आप लोगों को कैशबैक मिल जाता है आप लोगों को किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाना है और आप लोगों को उस अमाउंट को यूज़ में लेते हुए जो है पेट्रोल भरवा लेना है। अभी दोस्तों, पेट्रोल पंप पर भी आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो क्यूआर कोड आप लोग स्कैन करने वाले हो वो पेटीएम मर्चेंट का होना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप पे हमें कई सारे क्यूआर कोड्स देखने को मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बैंक का स्पेसिफिक क्यूआर कोड हो गया या गूगल पे मर्चेंट का, फ़ोन पे मर्चेंट का, ऐसे कई सारे क्यूआर कोड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग उन्हें स्कैन करेंगे तो हम लोग फ्यूल वॉलेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग पेटीएम मर्चेंट के ही क्यूआर कोड को स्कैन करो, तभी आप लोग आपके फ्यूल वॉलेट को यूज़ में ले पाओगे। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने आप लोगों को बतला दी है। चलिए यहाँ पे मैं जो है एड मनी करने के बाद में मुझे मिलने वाले कैशबैक को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं एड मनी पे क्लिक करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये वाला स्क्रीन नहीं दिखाई देने वाला, लेकिन यहाँ पर बस आप लोगों को अमाउंट एंटर कर देना है 299 रुपये उससे ज़्यादा का। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है 300 रुपये ऐड कर लेता हूँ। अभी दोस्तों, जैसे ही आप लोग पेमेंट पेज पे आ जाते हो यहाँ पे आप लोगों को आपके सारे बैंक अकाउंट प्लस जो सारे कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों ने सेव कर रखे होंगे वो आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पेमेंट कैसे करना है वो यहाँ पे नीचे आप लोगों को जो है UPI के वाया करना है। UPI का सेक्शन आप लोगों को नीचे दिखाई दे जाएगा, तो UPI पे आप लोगों को टैप करना है। अभी UPI पे आप लोग जैसे ही टैप कर दोगे यहाँ पे आप लोगों को जो है आपकी पेटीएम UPI ID को यूज़ में लेते हुए ही पेमेंट कर देना है। अभी जैसे ही आप लोगों की ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है नीचे आप लोगों को जो है कैशबैक पे क्लिक करना है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पर जो है एक स्क्रैच कार्ड पॉपअप हो रहा था, जो कि मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। चलिए मैं इसे आप लोगों के सामने ही स्क्रैच करता हूँ और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे को जो है 30 रुपीज़ पेटीएम फ्यूल वॉलेट मिल चुका है।
जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंस्टेंट आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग 15 डेज का वेट कर लीजिएगा, आप लोगों के अकाउंट में वो सारा बैलेंस दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों को मेरे अकाउंट के साथ भी दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं पासबुक पे क्लिक करता हूँ, आप लोग यहाँ पे भी देख पाओगे कि मेरे को जो है 30 रुपीज़ अभी के अभी कैशबैक मिल चुका है। 15 डेज का भी मेरे को यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा। तो आप लोगों को भी अगर ये वाला ऑफर मिला है तो इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिए। पेमेंट आप लोगों को UPI के वाया करना है, जिसका कि प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे अगला वीडियो जो मेरा होने वाला है वो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि आप लोग आपके फ्यूल वॉलेट बैलेंस को बिना किसी पेट्रोल पंप पे जाए अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। उन सारी चीज़ों को भी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। फिलहाल की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।